दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद हुए मियां मिट्ठू, ट्वीट कर आप सरकार को बताया हीरो, कहा जनता की नजर में मोदी है जीरो, ट्विटर पर आप और बीजेपी समर्थकों में जंग शुरू। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल पर किया बड़ा हमला, कहा सरकारी विज्ञापन फंड से मीडिया को अपने फेवर में मैनेज करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। दैट अ गवर्नमेंट्स पावर टू इशू एडवर्टाइजमेंट्स इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू विन फ्रेंड्स एंड साइलेंस क्रिटिक्स इन द मीडिया। दिल्ली के टैंकर घोटाले में भी केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का हमला, कहा घोटाले में कांग्रेस के साथ अब केजरीवाल भी हैं शामिल। यूपी के कैराना पलायन मामले में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट, रिपोर्ट में 5 साल में सिर्फ 188 परिवार ने छोड़ा कैराना। बीजेपी नेता जेटली ने भी कहा मामले की होनी चाहिए जांच। दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात से भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, गुजरात में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका के जाफना में स्टेडियम का किया उद्घाटन, कहा हर कदम पर हम खड़े हैं श्रीलंका के साथ, आज का दिन दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक। एयरफोर्स में महिलाओं ने रचा इतिहास, एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन में पहली बार शामिल हुई 3 महिला पायलट्स। आज तक कंधे से कंधे मिला के हम सब के साथ चलते आए हैं, तो चीफ को हम पे विश्वास है कि हम इस स्ट्रीम में भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। इस विश्वास का हम पे रखने का हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, और वील प्रूव दैट ही वाज करेक्ट इन पुटिंग दैट फेथ इन अस। भारत जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मुकाबला आज। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत को सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष, पीएम मोदी ने ट्वीट कर हॉकी टीम को दी बधाई। अनुराग कश्यप की विवादित फिल्म उड़ता पंजाब हुई रिलीज, फिल्म के विरोध में लुधियाना में शिवसेना ने किया विरोध प्रदर्शन।